हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो कहते हैं दोस्तों, कम ज्ञान जो होता है ना बहुत डेंजर होता है, बहुत अलर्ट हो देना पड़ता है। क्या है, ज़्यादा ज्ञान भी बुरा है और कम ज्ञान भी बुरा है। जब कम ज्ञान हो ना और उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो ना तो बहुत डेंजर होता है। मैं वीडियो में अक्सर बात बोलता हूँ कि आप चाहो तो हर काम खुद से भी कर सकते हो। लेकिन कहते हैं दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, जब हम बीमार पड़ते हैं ना और हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम फार्मेसी से जाके दवा लेके ठीक हो जाए, फीवर ठीक हो जाए। लेकिन अंदरूनी जो फीवर है ना वो सिर्फ डॉक्टर ठीक करता है, ब्लड टेस्ट करके जो भी उनके साथ प्रोसेस होता है वो डॉक्टर ही करता है। लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हर काम में कोई ना कोई डॉक्टर होता है दोस्तों। हमारे भी लाइन में हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता है। कोई कंपाउंडर होता है, कोई नर्स होता है, कोई जूनियर डॉक्टर होता है, जो अभी डॉक्टर बन के आए वो डॉक्टर होता है। हमारे लाइन में भी यही चीज़ है। ये मैं नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता है। अगर कोई बोले कि मुझे सब कुछ मालूम है तो समझो वो भी डेंजर है। लेकिन दोस्तों, मैं आजकल कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि भाई ये बंदा इतना पैसा लेता है, ये काम करके देता है, खुद से बना सकते हो। लेकिन होता क्या है मालूम है, आप 10,000 बचाने के लिए, 15,000 बचाने के लिए उन गलतियों को कर बैठते हो जो नहीं करना होता है। जैसे वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ गलतियाँ, कवर लेटर लिखने में गलती। अब बोले मलिक भाई आपने बोला था कवर लेटर नहीं लगाने को। देखो, नहीं लगाना अलग बात है, लेकिन लगाओगे तो शायद अच्छा हो जाए, रिक्वेस्ट करो एक्सेप्टेबल हो जाए, क्योंकि रूल कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। उसके अलावा आपने इंश्योरेंस सही लिया है कि नहीं लिया है, आपने सादा पेपर पर टिकट लिया है वो एक्सेप्टेबल, ये आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट बंदा बता सकता है। प्लस आप कहीं भी फंसते हो, फाइलिंग करते समय, स्टेपल करते समय या कुछ लिखते समय, आप अपने गाइडेंस से पूछते हो भाई मैंने ऐसे फाइल किया है, तो भी वहाँ पे आपको कौन हेल्प करेगा। अगर आपने खुद से किया है तो आपको सिर्फ अनुमान इतना होगा कि यूट्यूबर ने इतना चीज़ बताया था, मैंने कर लिया। दोस्तों, मैं ये नहीं, आज मैं ऐड करने नहीं आया दोस्तों, लेकिन एक दिल की बात बताने आया हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे ना, मैं एक सिंपल एक भाषा में एक बात बताऊँगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है और जो हाई कोर्ट का जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो लोअर जज होते हैं या जो मतलब वकील होते हैं, उनका प्राइस की बात किया जाए तो भाई को आपको 300 मतलब रुपया में भी आपको नोटरी बना के देते हैं। लेकिन वैसे हायर जज के, हायर वकील के पास जाओ जिनका ऑफिस है या जिनका सेटअप बना है, वो आपसे 1,000 लेते हैं। उससे ऊपर जाओगे तो आपसे ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं ये सब आपको पता है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल का मदद लो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, क्योंकि दोस्तों आपने 8 से 10 महीने, 1 साल लगा दिया एक चीज़ का वेट करते करते, अब एक चंद पैसों के लिए आप अपना फाइल ख़राब करना मेरे हिसाब से सही नहीं है दोस्तों। आप अलर्ट हो जाओ, चीज़ों को समझो कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइलिंग करते समय क्या गलती नहीं करते हो, क्या गलती करते हो, कौन आपको क्या बोलता है, कौन आपको सपोर्ट करता है। अब दिल्ली के VFS में जब बंदा बैठा होता है अंदर ना, वो कन्फ्यूज होता है, फिर मुझे मैसेज करता है मलिक भाई ऐसा हो गया मेरे साथ, फिर मुझे गाइड करता हूँ। ये गाइड कब होगा, जब किसी की आप सर्विस लोगे। अगर मेरी सर्विस नहीं भी ले तो कई ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं मलिक भाई मैं फंस गया, मैं उनका हेल्प करने लगता हूँ। लेकिन क्या होता है कि अगर प्रोफेशनली हेल्प आपका सर्विस नहीं लिए किसी का तो लफड़ा। अब एक चीज़ बताता हूँ, कई लोगों को मैं देखता हूँ एडवर्टाइज करते हुए खुला CV बना रहे। मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ सुना है, मेरे बारे में भी लोग बहुत सारे यूट्यूबर बनाते हैं, मलिक भाई इतना पैसा लेता है, वो यूट्यूबर इतना पैसा लेता है। देखो, सबसे फंडा एक बात है, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, एक कैंडिडेट आता है, एक सब्सक्राइबर आता है, बोलता है मलिक भाई हमको ये काम कराना है। हम उस सब्सक्राइबर को बोलते हैं भाई ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा प्राइस है। अब उसे जमता है तो हम काम करते हैं, नहीं जमता है तो बोलते कोई बात नहीं दोस्त, आप खुद से भी बना सकते हो यूरोपास की वेबसाइट पर जाके। लेकिन उस यूरोपास में लिखना क्या है, वर्ड्स क्या लिखने हैं। अब लोग दुनिया ChatGPT के यूज़ करके कुछ भी कर रहे हैं। देखो, ChatGPT बन तो गया है, लेकिन क्या उसमें जो वर्ड लिखा है आपने उसको समझा, जो उसमें शब्द लिखा आपने समझा, ठीक है कैसे वीज़ा एप्लीकेशन बना वो डिटेल बताएगा, लेकिन दोस्तों कहाँ पे क्या एक्चुअल लिखना है। एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, वो भी ChatGPT हो या गूगल हो, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, गलती सिर्फ इंसान उसके अंदर पकड़ सकता है, वो नहीं पकड़ के देगा। इसके लिए दोस्तों, आपने इतना साल वेट किया है, सब कुछ किया है, वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, टिकट कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, अगर आपका प्रोफेशन चेंज था तो कैसे, जैसे हमारे गिरीश भाई का प्रोफेशन चेंज था, बाइक राइडर से क्लियर हो गए, तो उनको कवर लेटर में मुझे क्या लिखना था, ये मेरे जो मालूम है, ये ChatGPT को नहीं मालूम, ये गूगल को नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है कि उसे क्या एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, प्लीज़ आप सब लोग
फाइल बनाते समय किसी भी प्रोफेशनल का हेल्प लीजिए, मेरा मत लीजिए, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आइए, किसी का भी लीजिए। आपने 10 महीना वेट किया है, 10,000 रुपया, 5-15,000 का मुंह मत देखिए। मैं सिंपली बोलता हूँ, आप 5-10,000 का मुंह देखने के चक्कर में फिर रिजेक्शन कर बैठते हैं। और यहाँ पे क्या होता है यार, काश मैंने ना फाइल बना लिया तो प्रोफेशनल का हेल्प लेके। क्योंकि क्या होता है, मुझे पता है बहुत सारे फाइल में क्या है, खाली वीजा एप्लीकेशन तो भरना। मेरे भाई, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोफेशनल बता सकता है कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सीवी में ऐसी गलती होती है जिसे देख के मेरे को भी हैरानी होती है, मल्टीपल डेग्नेशन है, मल्टीपल चीज़ें। वो एक प्रोफेशनल ही बताएगा कि आपको किस टाइप की सीवी बनानी है। कहीं डेट में एक मिस्टेक होता है, कहीं पे कुछ मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक का नहीं लेना देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मलिक भाई इसमें ना एच ई की जगह एच ए हो गया, चलता है, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखना है, ग्रामेटिकल क्या है, चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करनी, एक आपको प्रोफेशनल बता सकता है। प्लीज़, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माल्टा का काम चालू हुआ इंडिया का, बहुत रिस्की है, मतलब सब कुछ परेशानी हो रही है, आपने पैसा भर दिया है, एक प्रोफेशनल हेल्प लेके। अगर आपको मेरा हेल्प लेना है, सिंपल है, मैं आपको अपना नंबर बता दिया हूँ, 9988335584, ये सेंट्रल नंबर है। आपको इंडिया का जो कोड है +91 डाल के व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या वीजास मलिक, सबसे आसान तरीका बताता हूँ अगर मुझसे बहुत फास्ट रीच करना है, visasmalik@gmail.com, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका फाइल अर्जेंट में बना दूंगा, आपकी सीवी बना दूंगा। और अगर आपको माल्टा का इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों अप्लाई करने का, आप आइए, इस टाइम माल्टा का अप्लाई करते हैं और आपका फास्ट प्रोसेस में काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट चालू है दोस्तों, सबका काम स्पीड हो सकता है, परमिट बहुत जल्दी आ जाएगा, ये मैं गारंटी करके आपको देता हूँ। आइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, और कोई भी ज़रूरत है, कभी भी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है जो मैं आजकल कर रहा हूँ लोगों के साथ, मैं आपकी मदद करूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा दोस्तों, वादा करता हूँ आपके साथ। तबरेज़ मलिक हमेशा आपके, और तबरेज़ मलिक का नया जो इंस्टाग्राम आईडी है तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी, उसको जाके फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज बनाया मैंने, उसको जाके फॉलो कीजिए। और जितना भी होगा तबरेज़ मलिक आप सब सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं जो पीछे मेरी आईडी बंद हुई है, अभी तक चालू नहीं हुई है, उसमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि ये नई आईडी को ग्रिप मार के आएंगे और आपसे हम बात कर सके रूबरू। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ मलिक जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, तबरेज़ मलिक का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने फैमिली में, मेंबर में, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या चल रहा है आजकल माल्टा में, बाकी कंट्री में। थैंक यू वेरी मच। तबरेज़ मलिक दिल से सब कुछ शूट करता है दोस्तों।